हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं नॉलेज विद प्रिंस। आज मैं आपको एमएस एक्सेल की क्लासेस लूँगा, जिसमें से ये जो क्लास है वो पहली होगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एमएस एक्सेल है क्या और ये काम कैसे करता है, ये खुलता है कैसे, स्टार्ट कैसे होता है, इस पर काम किया कैसे जाता है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक नॉलेज दूंगा एक्सेल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर का पार्ट है एमएस एक्सेल, ये ठीक है। और जो इसका जो दूसरा नाम है वो है DBMS। ये एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है डाटा एंट्री के लिए, ठीक है। और DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर सारे जितने भी डाटा होते हैं, जितने भी आप डाटा टाइपिंग करते हैं, वो सारे इसके अंदर बनाए जाते हैं। इसको ओपन कैसे करना है, तो हाउ टू ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, यानी ऑल प्रोग्राम। इसके ओपन करने के बहुत सारे तरीके, तो मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। पहले आपको स्टार्ट बटन दबाना है, फिर स्टार्ट बटन दबाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाना है आपको। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको वहाँ पर दिखेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा। तो उसमें आपने जो सा भी इंस्टॉल कर रखा हो, वर्जन 3, 7, 10, 2016, मतलब 2003, 2007, 2010, 2016, उनमें से जो सा भी इंस्टॉल कर रखा है आपको उसको जाके सिंपली ओपन कर लेना है। अब दूसरा जो तरीका है वो है, आपको क्या करना है कि आपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है विंडो आर, तो आपका क्या होगा, रन बॉक्स खुल जाएगा। आपका रन बॉक्स खुलेगा, आपको उसके अंदर टाइप करना है एमएस एक्सेल। ये देखेंगे जैसे ही आप वहाँ पे विंडो आर दबाएंगे तो ये आपका ऐसा कुछ रन बॉक्स ऐसा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। तो उसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक्सेल के फाइल के अंदर ओपन हो जाते हैं, आपका एक्सेल आपके सामने खुल जाता है और आपके सामने एक शीट आ जाती है। तो शीट आ जाती है, तो उस शीट पर जो हम काम करते हैं, उस शीट पर हम काम कैसे करेंगे, तो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली अगली क्लास में बताऊंगा कि ये सब कैसे खुलेंगे। मैं आज इसकी बस थ्योरी थ्योरी की क्लास ले रहा हूँ, तो मैं इसको प्रैक्टिकली अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे क्या है। तो आप इसमें समझ लीजिए, अगली क्लास में आपको इसको प्रैक्टिकल करके मैं बताऊँगा। तो आप कोई भी जब एक्सेल की शीट खुल जाएगी तो उसके ऊपर कोई भी रूल, यानी कुछ भी लिखने से पहले, जो आपका रूल लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर कंडीशंस लगानी पड़ेगी। या तो बराबर का निशान लगाना पड़ेगा या प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। जब भी आपका कोई भी कंडीशन ये इनमें से लगाएंगे तभी कोई भी आपका फार्मूला हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, मतलब उसके अंदर कोई भी आपने कमांड लिखी है, वो तभी वर्क करेगा जब तक आप ये नहीं लगाते आगे, बराबर का निशान या प्लस का निशान। एक्सेल के अंदर हमेशा सेल एड्रेस के अंदर ही काम होता है, मतलब जितने भी आप काम करते हैं, जितने भी आप फार्मूला लिखते हैं, जितने भी आप डाटा बनाते हैं, वो सारे आपका एक्सेल सेल एड्रेस के अंदर ही काम होता है। और वो काम जो होता है रो या कॉलम के अंदर होता है, मैं बताऊंगा रो और कॉलम क्या होता है आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जो मैं बताता हूँ, रो जो ये रो है, जो ये रो है, ये रो को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो कि लेटी होती है लाइन ऐसी, ये ऐसे मैं आगे बताऊंगा ये कैसे होते हैं दिखने में बताऊंगा आगे। तो ये हॉरिजॉन्टल होती है, जिसकी संख्या जो होती है आपसे आपको कोई भी पूछ ले तो कितनी होती है इसकी संख्या, तो होती है 1,048,536 इसकी संख्या होती है, ठीक है। ये आप एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कि रो कितने होते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको पूछ लेते आपको पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। अगला है हमारा इसी में कॉलम, अगला हमारा कॉलम। तो एमएस एक्सेल के अंदर कॉलम कितने होते हैं, यानी जो एक्सेल होते हैं उसके अंदर शीट में कॉलम कितने होते हैं, तो वर्टिकल में होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। और टोटल जो सेल होते हैं, सेल यानी एक डब्बा, जैसे ये डब्बा दिख रहा है आपको, ये ऐसे डब्बे होते हैं, तो वो जो होते हैं 17,17,98,69,184 जो होती है इसकी संख्या होती है टोटल सेल्स की। तो ये सारे जितने भी मैंने बताए सेल्स की संख्या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में या टोटल सेल में, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको याद भी रख ले और एग्ज़ाम में आपके काम भी आ जाए। सेल, अब मैं बता रहा हूँ सेल एड्रेस के बारे में। तो आपसे बोलता है कि एक्सेल के अंदर इस सेल पे जाओ, तो आप कैसे ढूंढोगे, आपको बोल देता है कि आप बी पे जाओ। अब कौन से बी पे, आपको ये पता है बी ये है, लेकिन आपको कौन से बी पे जाना है तो ये आपको पता नहीं है। तो इस सेल उसको पहुंचने के लिए जो नाम होता है वो होता है, जैसे कि आप ये दिख रहे होंगे ये कॉलम है,
ये आपका जो हो जाता है ये कॉलम हो जाता है, और ये आपका हो जाता है रो। ऐसे ये कॉलम और ये रो। तो अब देख रहे होंगे जो ये जहाँ पे काट रहा है ये चीज़, ये क्या बन जाता है आपका सेल बन जाता है, हैं। तो अब इसको हम जैसे ही रेफरेंस देंगे कैसे बोलेंगे, तो मेरे को बोलना है इस सेल के बारे में बताना है कि इस सेल पे जाओ, तो मैं बोलूँगा बी सेल नंबर 1 पे जाओ, तो ये ऐसे हम पहुँचेंगे। अगर इसी तरह का मेरे को डी पे जाना है, मैं बोल दूँगा D3 पे जाओ, तो ये रहा डी और ये रहा 3, तो ये सेल हो गया हमारा। इसी तरह से पूरे एक्सेल में ये ऐसे ही बटा हुआ है, तो जैसे ही आप फार्मूला बार में लिखेंगे तो उसके हिसाब से ये भी चेंजमेंट होगा। तो आप लिखेंगे E4, तो ये E4 ऐसे पहुंचना पड़ेगा आपको। तो ये रेफरेंस सेल के बारे में मैंने बता दिया आपको। मैंने कॉलम तो बता ही दिया कि कॉलम क्या होते हैं, ये जितने भी आपने ये लाइन देख रही है ये सारे आपके कॉलम हैं, और मैंने बता दिया था आपको पहुंचना कैसे है कॉलम पे, सेल पे। अब जो है रो बता दिया था मैंने आपको कि ये एक जो लाइन है ये पूरी क्या हमारी रो है, ठीक है। और अब चलते हैं हम, जो मैंने आपको बताया सेल एड्रेस कैसे पहुंचेंगे सेल एड्रेस पे, तो उसको मैंने उसी को फॉर्मूला के रूप में लिखा है। तो कॉलम ये जो हो गया ये कॉलम और रो, तो जब हम बोलेंगे कि इस सेल पे पहुंचना है, मैंने बताया था आपको B2 पे, तो जैसे B2 पे पहुंचना है तो पहला तो B हो गया, फिर 2 हम देखेंगे यानी जो आपका लाइन नंबर्स लिखे होते हैं तो उसके अंदर जाएंगे, देखेंगे 2 कहाँ पे, और 2 पे जहाँ से पहुँचेंगे तो उनको हम जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा B2। तो इसी तरह से सेल हम निकालते हैं यानी सेल एड्रेस पे पहुँचते हैं। अब अगर हमारा टोटल सम फार्मूला करने का, यानी टोटल जितने भी एक्सेल के अंदर हम प्लस करने का जो फार्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो बेसिक्स होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि सेल के अंदर यानी सीट एक्सेल सीट के ऊपर जितने भी आपको कंडीशन लगाने से पहले क्या करना है, या तो बराबर का निशान या तो प्लस का निशान लगाना है। तो यही मैंने लगाया कि ये देखो आपने देख रहे होंगे कि ये बराबर लगा रखा है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे को बराबर तो लगाना ही पड़ेगा, तो यही मैंने इसलिए बराबर लगाया। उसके बाद आपको प्लस करने के लिए क्या करना है, सम लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन ब्रैकेट खोलना है और उसके अंदर जितनी भी आप संख्या जितनी भी संख्या होंगी उनको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे, जितनी भी आपने संख्या सेलेक्ट की है वो आपको प्लस करके वहाँ पे दिखा देगा। अगला है हमारा सेकेंड है जो बराबर का निशान लगाना है फिर से सेल में, और सम लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना, उसके अंदर जितनी भी संख्याएँ हैं मतलब जितनी भी संख्या आपको प्लस करनी है उनको सेलेक्ट करके प्लस करते जाएंगे और जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, इसलिए मैंने आगे तक डॉट 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 कर दिया है। तो प्लस करने के बाद और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा और आपका टोटल जितना भी संख्या आप चाहेंगे उतना वो टोटल करके दिखा देगा। तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया। हमारा थर्ड फार्मूला है बराबर फिर से लगाना है और सम लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इस रेशियो में चेंज हो जाएगा वो अपने आप ही। तो रेशो में चेंज होते ही वो क्या कर लेगा अपने आप ही मतलब वो प्लस कर देगा उसको। और ये चौथा हमारा ऑटो सम ऑन क्लिक, यानी आपने देखा होगा मतलब आपके ऊपर मतलब जो एक्सेल शीट आता है उसके स्टेटस बार जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ऑटो सम का, तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, जितनी भी आपको संख्याएं प्लस करनी है तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा ऑटो अपने यानी अपने आप ही सबको सम कर देगा ये। अब बात करते हैं हम शीट्स की, तो इसके अंदर कौन कौन सी शीट्स हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम आ जाओ मार्कशीट बना सकते हैं, आप देखते होंगे कोई सी मतलब मार्कशीट हो गया उसके अंदर आप नंबर चढ़ा सकते हैं, बैंक शीट बना सकते हैं, समीफ शीट बना सकते हैं, नोट शीट बना सकते हैं। मैं बताऊंगा ये शीट कैसी कैसी होती है, ये हम क्लासेस लेंगे धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे कैसे कैसे ये बनता है, तो इनके बारे में मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अगली जो है हमारी इसके अंदर हम प्रोडक्ट शीट बना सकते हैं, बिल लुकअप शीट बना सकते हैं मोबाइल वाली, एम्प्लॉय शीट बना सकते हैं, वोटर शीट बना सकते हैं, एज शीट बना सकते हैं, मिस्टर एंड मिसिस शीट बना सकते हैं, यानी उसमें बताएगा आप मिस्टर कौन है मिसिस कौन है, ये आपको बहुत जरूरी होता है आगे जाके फॉर्मूलास मतलब ये सारे जो है एक्सेल जो है पूरा बेस्ड जो है वो पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। आप सेल्स शीट बना सकते हैं, लोन शीट बना सकते हैं, डी सम शीट बना सकते हैं, और ये आपका रैंक शीट बना सकते हैं, रैंक एंड मैच शीट बना सकते हैं, हॉस्पिटल और होटल शीट बना सकते हैं आप, और बी लुकअप एच लुकअप शीट बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन और टैक्स
सीट बना सकते हैं। तो ये साइज सीट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट है। आप मतलब मैंने वही सीट ली है जो कि आप यूज़ करते हैं या ऑफिस में यूज़ होता है ज़्यादातर। आप एम्प्लॉय सीट हो गया या होटल सीट हो गया या हॉस्पिटल सीट हो गया, ये देखते हुए जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेप्रिसिएशन सीट होता है यूज़, टैक्स सीट यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। यही बेसिक था एक्सेल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।